हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में गाइस मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूँ। थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को बहुत लेंदी नहीं करूंगा क्योंकि छोटी सी चीज है लेकिन ट्रिकी है, ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए बीइंग अ एस्पिरेंट ऑफ एनी एग्जाम। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, अन अकेडमी पर किसी भी क्लास के लिए अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, 1 महीने से लेकर 2 साल 5 साल आपको कितना भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अगर चाहिए तो यूज करिए इस रेफरल कोड को Varun777। इसका आपको यूज करना है ताकि जितना भी एग्जिस्टिंग डिस्काउंट हो उससे ज्यादा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पर मिल सके। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखो प्रॉब्लम क्या है कि कुछ फैक्ट्स हैं या फिर आप बोल सकते हो कुछ यहाँ पर वर्ड्स हैं जिनका लीगली यूज किया जाता है, आर्टिकल का यूज किया जाता है, एक्ट का यूज किया जाता है और सेक्शन का यूज किया जाता है। What is the difference among article, act and sections? इन तीनों में difference क्या है? इसको इस तरीके से समझे, the basic difference between the three is that an act is a text which is further divided into articles which are categorized by section. आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, कोई भी act है, act तो आपको ये तो पता ही होता है कि कोई भी कानून है वो पारित हो जाता है तब वो act कहलाता है। अब जब वो पारित हो जाता है, जब वो act कहलाता है तो उसको क्या किया जाता है, कई आर्टिकल्स में भी निहित किया जाता है। ओके, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी एक एक्ट है, मतलब कोई भी एक कानून पारित हो गया तो वो केवल एक ही आर्टिकल में लिखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं ऐसा नहीं है। एक एक्ट को कई सारे आर्टिकल में भी लिखा जा सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेट होना। अभी तक 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेट के दर्जे में आता था। अब आप देखो कि 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा देता था और 35A आर्टिकल में जम्मू कश्मीर का संविधान निहित था। तो आप देख रहे हो दोनों ही जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए एक्ट हैं। एक्ट ये पूरा एक ही है जम्मू कश्मीर का, लेकिन आर्टिकल दो हैं जिसमें इसको निहित किया गया है। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि संविधान को लिखे जाने का जो तरीका है, जो संविधान लिखा गया है कई सारे स्टेटमेंट्स में, वो संवैधानिक स्टेटमेंट आर्टिकल कहलाते हैं। और कोई भी कानून जिसको लिखा जाना है उसमें भी आर्टिकल का ही सहारा लेकर हमें संविधान में लिखना होता है उसे। अब सेक्शन की बात क्या होती है, सेक्शन आर्टिकल का ही सब पार्ट होता है। जैसे कि हम बात करें पंचायती राज सिस्टम, तो उसमें आर्टिकल 243 पर आप जब जाओगे तो 243A, B, C, D, E, F इस तरीके से उसको कई सारे सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो सेक्शंस का यूज किया जाता है किसी भी बड़े कानून को जब हम संविधान में लिखते हैं आर्टिकल की फॉर्म में, तो उसके छोटे छोटे फॉर्मेट में लिखा जाने का तरीका सेक्शन कहलाता है। बेसिकली आप कहोगे कि अगर सेक्शन का हम यूज ना करें, तो सेक्शन का आप यूज नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप कभी भी देखना, किसी भी बड़े प्रोग्राम को अगर करना होता है तो प्रोग्रामर क्या करता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। किसी भी बिजनेस पर्सन को एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन करना होता है तो वो क्या करता है, उसको कई सारी छोटी छोटी मीटिंग्स में डिवाइड कर लेता है। तो किसी भी बड़े काम को करने का तरीका बेस्ट यही होता है कि हम उसको छोटे छोटे सब पार्ट्स में क्लासीफाई कर लें। इस वजह से सेक्शंस की जरूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको एड्रेस करने का तरीका भी मिल जाता है जुडिशरी में। अगर सेक्शन नहीं होगा तो उसको हर बार लेंदी वे में जुडिशरी में एड्रेस करना पड़ेगा। लाइक किसी ने बोला कि ऐसा कहां लिखा हुआ है पंचायती राज से जुड़ा हुआ, तो पर्टिकुलर लॉयर तुरंत बोलेगा ऐसा 243A में लिखा हुआ है या 243J में लिखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर लॉयर को हर बार 243 आर्टिकल पूरा का पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। बात आई समझ? तो होपफुली आप समझ गए होंगे, कोई भी एक्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई भी कानून जब पारित होता है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में निहित किया जाता है या फिर आप बोल सकते हो लिखा जाता है, तो उसे आर्टिकल की फॉर्म में लिखा जाता है और आर्टिकल को ही डिस्क्राइब करने के लिए सेक्शन का यूज किया जाता है। ये तो ये तीन वर्ड हो गए। इसके बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है रूल्स और रेगुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। गाइस बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है, रूल्स और रेगुलेशन का डिफरेंस वही है कि रूल्स आपके हो गए टी शर्ट और जीन्स और रेगुलेशन आपका हो गया सूट। बस यही डिफरेंस है, मतलब ये है आपका फॉर्मल और ये है आपका कैजुअल। नहीं समझे, चलिए इसको पढ़ते हैं फिर आपको समझाता हूं। द टर्म रूल्स कैन बी यूज्ड इन जनरल सेंस मीनिंग स्टेटमेंट्स और गाइडलाइंस दैट कैन बी फॉलोड, वेयर एज रेगुलेशंस आर स्टैंडर्ड लॉज दैट कैन कंसर्न अ सर्टेन लॉ। द रूल्स आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच टेल अस द वे थिंग्स आर टू बी डन। आपसे क्या कह रहा है, रूल्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हमें बताते हैं किसी भी काम को करने का तरीका क्या होगा।
लेकिन रेगुलेशंस क्या है? रेगुलेशंस आर द रूल विच आर ऑथराइज्ड बाय द लेजिस्लेशन। देखो, जब भी कोई तरीका लाया जाता है किसी की भी काम को करने का, तो जाहिर सी बात है पहले उसके बारे में चर्चा होती है लोकसभा या राज्यसभा में। जब उसके बारे में चर्चा होती है, पूरा देश उस पर चर्चा कर रहा है, तो उस काम को करने का जो तरीका होगा वो क्या है ये भी डिस्कस किया जाता है। सो दैट टाइम इट इज नोन एज रूल्स, कि भाई रूल्स बनाए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर अप्रोच को या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अप्रोच करने के लिए। लेकिन जब उसी के लिए कानून बना दिया जाता है, जब उसी पर सरकार की मोहर लग जाती है, लेजिस्लेचर की मोहर लग जाती है, तब ये क्या कहलाने लगता है? रेगुलेशन कहलाने लगता है। तो आप देखो तो रूल्स सबसे छोटा फॉर्मेट है इसमें, बिल्कुल एक जनरल टर्म है। कोई भी आम आदमी भी अगर उसके बारे में बात कर रहा है तो वो रूल ही है, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूं भाई कि मैंने बोला कि ड्रिंक एंड ड्राइव पर न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10,000 रुपए का चालान है, तो मैंने आपको क्या बताया? रेगुलेशन थोड़ी मैंने आपको बताया, मैंने आपको रूल्स बताए हैं। मैंने आपको न्यू मोटर व्हीकल एक्ट का रूल बताया कि भाई 10,000 रुपए ड्रिंक एंड ड्राइव पर अब लग रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत इतने क्लॉज के तहत 10,000 रुपए फाइन है ड्रिंक एंड ड्राइव पे, दैट मींस कि अब मैं आपको रेगुलेशन बता रहा हूं, अब मैं आपको ऑथराइज्ड पार्ट ऑफ रूल्स बता रहा हूं, रूल्स का वो हिस्सा अब मैं आपको बता रहा हूं जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा निहित कर दिया गया है, जिसको कानून बना दिया गया है। ओके, सो दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशन। तभी मैंने आपको बोल दिया था सिंपल सा भाई डिफरेंस है जीन्स और टी शर्ट वाला या फिर सूट वाला। तो आप देख रहे हो रूल्स, रूल्स को ही जब निहित कर दिया जाता है ऑथराइज्ड अथॉरिटीज के थ्रू, तब वो रेगुलेशन कहलाते हैं। फिर जाकर वो एक्ट कहलाता है जब वो संविधान में पूरी तरीके से निहित हो जाता है। लॉ उसके ऊपर होता है, एक्ट के ऊपर, जिस पर पूरा फैसला लिया जाता है, और लॉ से ही मिलकर क्या बना हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको इस छोटे से वीडियो में रूल्स एंड रेगुलेशन, आर्टिकल, एक्ट और सेक्शन, इन पांचों टर्म में डिफरेंस साफ साफ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अनदर वीडियोस के लिए, और नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।